ನಿನ್ನೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಆಯೋಗನೇ ತುರಂತ ಇಂಟರ್ವೀನ್ करना चाहिए देश भर के अंदर जो हिस्ट्री सिटर होते हैं पैरोल फरलो कुदा कर जो लोग आए हैं और जो लोग फरार हैं उनको चुनाव के दिन अरेस्ट किया जाता है बंगाल के अंदर 107 का बॉन्ड लेकर उनको छोड़ दिया जाता है एक दो स्टैंडर्ड चुनाव आयोग ने क्यों बनाए बंगाल के अंदर एक भी जगह हिस्ट्री सिटरों की अरेस्ट नहीं हुई क्यों चुनाव आयोग चुप बैठा है उनके ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं मेरे पास सूचना है ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है कि जब तक ये गुंडों को पकड़ेंगे नहीं ढंग से चुनाव नहीं हो सकते फिर भी चुनाव आयोग ने यहां से गुंडों को पकड़ने की सूचनाएं प्रारित नहीं की अगर इसी प्रकार से चुनाव कराना है बंगाल के अंदर तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ढेर सारे सवाल या निशान उठ रहे और मित्रों मैं अभी भी चुनाव आयोग को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि एक चरण बचा है कम से कम एक चरण के अंदर बंगाल के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए करना चाहिए दो दिन पहले दीदी ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी कि मैं बदला लूंगी योगी आदित्यनाथ और हमारे कई नेताओं को सुओ मोटो कदम उठाकर आपने प्रचार के लिए बैन दे दिया ममता दीदी ने माइक के जरिए भाषण के अंदर सार्वजनिक भाषण में धमकी दी क्यों संज्ञान नहीं लिया चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर क्यों बैन नहीं किया गया और ममता दीदी ये मानती है कि हिंसा का कीचड़ फैलाकर वो चुनाव जीत लेगी तो मैं उनको कहना चाहता हूं ममता दीदी आयु में आप मुझसे जरूर बड़ी हो अनुभव मुझे आपसे ज्यादा है चुनाव लड़ने का लड़ाने का मैं आपको सलाह देना चाहता हूं जितनी भी हिंसा का कीचड़ फैलाओगी कमल उतना ही बड़ा बनकर खिलकर बाहर आएगा।